बॉलीवुड की शानदार डांसर। 1940-50 के दशक में एक तरफा राज करने वाली भारत की पहली डांसर क्वीन भी कही जाती है। आजा मौसम है रंगीन, आजा एक दो तीन, आजा मौसम है रंगीन। ये अदाकारा एक समय में अपने साथ तीन तीन लग्जरियां गाड़ियां लेकर चलती थी। एक गाड़ी में खुद, दूसरी गाड़ी में उनके कुत्ते, तीसरी गाड़ी में उनके फेवरेट दोस्त होते थे। कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। और दोस्तों, हैरत की बात तो जब हो गई थी जब ये अदाकारा बुढ़ापे में आई, या यूं कहे कि अपने अंतिम समय में एक एक दाने को मोहताज हो गई थी। 1940-50 के दशक की ये सबसे महंगी अदाकारा हुआ करती थी। उस समय ये एक गाने के 6000 रुपए लेती थी, जो कि उस समय बहुत मोटी रकम होती थी। और कमाल तो जब हो गया था, जब उनकी मृत्यु हुई तो एक गुमनामी की जिंदगी जीते जी उनका पता ही नहीं चला कब भगवान को प्यारी हो गई। तो दोस्तों, कौन थी ये अदाकारा, जानेंगे इनसे जुड़े अनसुने किस्से। बने रहेगा आप हमारे साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MA चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी समय से मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं भारत की शानदार 1940-50 के दशक की शानदार डांसर कुक्कू मौर्या की। कुक्कू मौर्या का जन्म सन 1928 में हुआ था। ये एंग्लो इंडियन डांसर थी। इनके माता पिता का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये भारत में ही पैदा हुई थी। कुक्कू मौर्या को बचपन से ही डांस का शौक था। कम उम्र में ही कुक्कू को नंबर वन डांसर बनने का जुनून सवार हो गया था। और गरीबी में पली कुक्कू मौर्या को पैसा कमाने का भी जुनून पैदा हो गया था। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी, और उनकी सबसे पहली फिल्म अरब का सितारा में उन्हें डांस करने का रोल मिल गया। और कुक्कू ने इस फिल्म में ऐसा डांस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। चारों तरफ कुक्कू के ही चर्चे होने लगे। कुक्कू के घर प्रोड्यूसर का आना जाना लगने लगा। अब कुक्कू मौर्या के पास काम की कमी नहीं थी। फिर कुक्कू की बड़ी बड़ी फिल्में आए, कुक्कू का बड़ा ही अलग तरह का डांस होता। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें रबर गर्ल का नाम दिया गया। कुक्कू इतनी तेजी से ग्रो हुई कि इन्होंने अपने एक गाने की डांस की फीस 6000 रुपए कर दी। ये राशि उस समय के अन्य अदाकाराओं से बहुत ज्यादा होती थी, और प्रोड्यूसर भी खुशी खुशी दे देते थे, क्योंकि कुक्कू का गाना फिल्म में नहीं हुआ तो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। और जिस फिल्म में कुक्कू का गाना होता था, मानो उस फिल्म पे तो हिट की मोहर लग जाती थी। कुक्कू मौर्या के पास अब इज्जत, शोहरत, काम, वो सब कुछ था जो कि अमीर हस्ती के पास होना चाहिए। उनके पास 3 गाड़ियां, ढेरों ज्वेलरी, बंगला और अपने कुछ पालतू कुत्ते भी थे। कुक्कू मौर्या को अपने पालतू कुत्तों से इतना प्यार था कि वह उन्हें 5-स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाती थी। कुक्कू मौर्या अपनी शान शौकत वाली जिंदगी जी रही थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुक्कू की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो मनुष्यत का साया लेकर उनकी जिंदगी में आता है। मौर्या के पास बेशुमार दौलत, शोहरत, सब कुछ था। कुक्कू की जिंदगी में बस कमी थी तो बस एक प्यार की। कुक्कू मौर्या को जब एक डायरेक्टर का प्यार का ऑफर मिला, कुक्कू मौर्या ने अपनी जिंदगी में अकेली थी, उन्होंने भी उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। और शायद ये कुक्कू की सबसे बड़ी भूल भी थी। कुक्कू की लाइफ में जब ये डायरेक्टर आया तो कुक्कू ने उस पर अपनी दौलत उड़ानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे अपनी दौलत को उड़ाती रही। कुछ समय में ही उनकी दौलत न जाने कहां धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और एक बार तो उन पर इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा। कुक्कू मौर्या की बहुत सारी दौलत जब्त कर ली गई। अब कुक्कू का बुरा वक्त शुरू हो गया था।
था उनके बुरे वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ा उस डायरेक्टर ने, जिसके साए से वह बर्बाद होना शुरू हो गई थी। इसके बाद कुकू को बॉलीवुड ने भी साथ छोड़ दिया। दोस्तों, जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से सब साथ छोड़ देते हैं। फिर कुकू को यह भी पता चला कि वह बीमार है कैंसर रोग से। कुकू की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया कि उनके पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं रहे थे। कहां एक दिन वो था कि जब कुकू मोरे अपने यारों दोस्तों को 5 स्टार में खाना खिलाती थी, अपने कुत्तों को भी 5 स्टार में खाना खिलाती थी, लेकिन जिंदगी में उनका एक समय ऐसा आ गया था कि उन्हें लोगों के झूठन को खाना पड़ रहा था। कुकू की हालत अब ऐसी हो गई थी कि एक तो गरीबी की हालत, दूसरी बीमारी की हालत, दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। उनका ना कोई दोस्त था, ना कोई सहारा था, सब यार दोस्तों ने उनका नाता तोड़ दिया। उन्होंने 30 सितंबर सन 1981 को अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। और जब उनकी मौत हुई तो कफन के लिए भी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उन्हें कफन नसीब हुआ था। और कुकू मोरे की जब आखिरी यात्रा चली तो उनकी आखिरी यात्रा में फिल्म हस्ती का कोई भी नाम शामिल नहीं था, और दुनिया में चमकता हुआ सितारा एक अंधेरे सी जिंदगी पर ख़त्म हो गया। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, उन्होंने प्राण और हेलन जैसे लोगों को भी सितारा बनाया था। ऐसी महान डांसर को बॉलीवुड स्टार सफरनामा नमन करता है। आप लोग क्या कहना चाहोगे कुकू मोरे की ज़िंदगी के बारे में, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफरनामा को लेकर। धन्यवाद।